नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से AR Academy की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इरिगेशन मैनेजमेंट पर बात करेंगे, इरिगेशन पर बात करेंगे और आज हम बेसिक्स जानकारी, बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, उनकी डिफिनीशन पूछी जाती हैं, यूनिट्स पूछी जाती हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है ये हमारा इरिगेशन का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन जो होता है वो है द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्रीज। जो आर्टिफिशियल या जो आदमी अपने आप करता है, जो वाटर लगाता है, वाटर पानी की सिंचाई करता है कहाँ पर, क्रॉप में, जो खुद से देता है, आर्टिफिशियल होता है वो क्या कहलाता है, इरिगेशन। पानी अगर बरसता है खुद से, नेचुरली बरसता है, तो वो हमारा इरिगेशन के अंतर्गत नहीं आता है। इरिगेशन के अंतर्गत सिर्फ आता है जो मानव खुद अपने आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से अप्लाई करता है वाटर को किसी फील्ड पर, वो हमारा कहलाता है इरिगेशन। तो यही अंतर है इरिगेशन और प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वो नेचुरल होता है। प्रेसिपिटेशन किसी भी रूप में हो सकता है, रेन के रूप में, वर्षा के रूप में, फॉग या फ्रॉस्ट, किसी भी रूप में, तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है और वो नेचुरल होता है। लेकिन इरिगेशन जो है वो आर्टिफिशियल होता है या मैनुअल होता है। तो यही अंतर है। अब पहला इसमें जो टर्म है वो है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन द फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इट्स जनरली अकर्स इन अनसेचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पर तो जानना जरूरी है कि सेचुरेटेड सॉइल और अनसेचुरेटेड सॉइल क्या होती है। सेचुरेटेड सॉइल, यहाँ पर अगर सीधी बातों में बात करें तो जो हमारे मृदा रंध्र होते हैं, जब वो पूरी तरह से पानी से भर जाएँ तो वो हमारी सैचुरेटेड कहलाती है। उनमें बिल्कुल भी जगह ना हो कि और भी पानी आ सके, वो हमारी सैचुरेटेड सॉइल कहलाती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे जो रंध्र होते हैं, मृदा के जो पोर स्पेस होते हैं, वो कुछ पानी से भरे हैं और कुछ में हवा भरी है, मतलब कि अभी उसमें और भी गुंजाइश है कि उसमें अभी पानी आ सकता है अगर हम उसमें पानी लगाएं, तो वो हमारी कहलाती है अनसैचुरेटेड सॉइल। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर। जैसे हमारी ये फील्ड है, ये कोई फील्ड है, इसमें पानी बरसा तो, या कहीं से भी अगर हमने इरिगेशन भी किया, तो पहली इंट्री जो होती है, यहाँ से हल्की सी इंट्री हुई इस फील्ड में, वाटर की इंट्री हुई, कहाँ से हमने पानी लगाया, ऊपरी सतह से हल्का सा नीचे गया, वो हमारा कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन और वो होता है हमारा किसमें, अनसैचुरेटेड सॉइल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है आपको कि इन्फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, वो होता है अनसैचुरेटेड सॉइल में। और इसके बाद आता है परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है, परकोलेशन होता है वर्टिकल और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द डिफरेंट सॉइल लेयर्स, इट्स जनरली अकर्स इन सैचुरेटेड सॉइल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब हम पानी अप्लाई करते हैं या प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी खुद से नेचुरली आता है, तो पहले ही जो गिरते ही जो एंट्री होती है वो हमारी कहलाती है इन्फिल्ट्रेशन। अब जब गिरेगी एंट्री होगी तो हमारी सॉइल लेयर्स जो होती हैं बहुत सारी, ABOAE, तो ये जो लेयर्स हो गई, यहाँ एंट्री हो गई, वो तो हो गया हमारा इन्फिल्ट्रेशन। अब इसमें एंट्री के बाद ऊपर से नीचे आएगा और नीचे आएगा, नीचे वाली लेयर्स पे आएगा, ए पे आएगा, बी पे आएगा, सी पे आएगा, तो ऊपर से इस नीचे आने को ही वाटर को परकोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परकोलेशन। और ये कब आएगा, देखिए पहले तो जो सबसे ऊपरी लेयर होगी, इन्फिल्ट्रेशन होगा अनसैचुरेटेड सॉइल में, इसमें क्या होगा, जगह होगी कि और भी पानी आ जाए, तो जब जगह होगी तो इन्फिल्ट्रेशन होगा उसमें। लेकिन जब पानी आते 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 वो बहुत सारा पानी आ जाएगा कि अब उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी कि उसमें पानी आ सके, और तो वो जो ऊपर का पानी है वो क्या होगा, वो नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर तब कोई गुंजाइश रहने गई कि उसमें और भी पानी आ जाए पोर स्पेस में, तो जो नीचे के पोर स्पेस खाली है वहाँ पर पानी आएगा, और इसी नीचे आने की प्रक्रिया को पानी के परकोलेशन कहते हैं। तो परकोलेशन किस में होता है, वो होता है सैचुरेटेड सॉइल में। जितनी ज़्यादा सैचुरेटेड सॉइल होती जाएगी, परकोलेशन उतना ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट है रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ सॉइल। तो रन ऑफ भी कहाँ होता है, सैचुरेटेड सॉइल में होता है, ये आपको जानना जरूरी है। आपने देखा होगा पानी बरसता है, पानी इतने वेग से, इंटेंसिटी से बरसता है, जितनी इंटेंसिटी से बरसता है उतनी इंटेंसिटी से उसका इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन नहीं हो पाता, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता किसमें, सॉइल में, तो वो क्या होता है, ऊपर ही ऊपर बह जाता है, तो वो हमारा कहलाता है रन ऑफ। आपने देखा होगा पानी बहता है, जब भी बरसता है अगर जितना तेज बरसेगा उतना तेज ऊपर से बह जाता है, थोड़ी मात्रा में वो एब्जॉर्ब भी होता है सॉइल के द्वारा, लेकिन
ज़्यादातर वो बह जाता है, तो वो बहना ही बहा हुआ वाटर हमारा क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है, और ये सेचुरेशन के कारण ही होता है। वो इतना तेज़ पानी बरसता है कि ऊपर की बिल्कुल जो हमारी सरफेस सॉइल है वो तो सेचुरेटेड हो जाती है, लेकिन नीचे पानी जा ही नहीं पाता उस इंटेंसिटी से कि नीचे की भी सेचुरेटेड हो पाए और वो पानी भी अब्जॉर्व हो पाए, तो बाकी का पानी वो क्या होता है, वो रन ऑफ हो जाता है या बह जाता है। नेक्स्ट है सीपेज। रन ऑफ की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, सेचुरेटेड सॉइल में होता है। नेक्स्ट है सीपेज। सीपेज है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर इन इरीगेशन चैनल और थ्रो कैनाल और अदर वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा जैसे गांव में जो भी बिलोंग करते होंगे, जो नहरें होती हैं छोटी छोटी, या जो भी हमारे इरीगेशन चैनल ही अगर होते हैं जिनसे हम पानी लगाते हैं खेत में, तो जब हम पानी लगाते हैं तो वो जो इरीगेशन चैनल होता है जहाँ से पानी जाता है, उसके अगल बगल की मिट्टी भी क्या हो जाती है, गीली दिखती है हमको। वो किसकी वजह से, सीपेज की वजह से। सीपेज में क्या होता है, हॉरिजेंटल या पड़ा हुआ जिसे कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज जो क्या होता है पानी, जैसे ये हमारी फील्ड है, ये हमारी फील्ड हो गई या इरिगेशन चैनल हो गया ये हमारा, इसके अगल बगल की मिट्टी भी यहाँ भी गीली होगी और यहाँ भी गीली होगी। वो क्यों, क्योंकि पानी तो यहाँ से जा रहा है इस बीच से, लेकिन ये हॉरिजेंटल मूवमेंट की वजह से इधर भी जा रहा है, तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट ही क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर। लीचिंग को अगर हम समझें तो ये एक प्रकार से परकुलेशन ही होता है, लेकिन परकुलेशन में क्या होता है कि ऊपरी लेयर से निचली लेयर में वाटर जाता है, लेकिन लीचिंग में पानी के साथ में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सरफेस में, तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपरी सतह से निचली सतह में चले जाते हैं, रूट जोन से नीचे चले जाते हैं, तो वो हमारे कहलाता है लीचिंग। नेक्स्ट है पडलिंग। पडलिंग क्या होता है, इरीगेशन बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप टू रिड्यूस परकुलेशन ऑफ वाटर। जो हम इरीगेशन करते हैं क्या करते हैं, पानी बचाने के लिए, जैसे आपने धान में देखा होगा पडलिंग क्या कहते हैं, पलेवा एक तरह से कहते हैं, खूब सारा पानी भर के उसमें क्या करते हैं, मड लगा देते हैं, कीचड़ बना देते हैं, वो हमारा कहलाता है पडलिंग। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब वो कीचड़ बन जाएगा एक तरह से, ऊपर की मिट्टी चिकनी हो जाएगी, तो जो ऊपर का पानी है वो चिकनी सतह की वजह से जो पानी है वो धीमे धीमे नीचे जाएगा। परकुलेशन हम बिल्कुल तरह से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। परकुलेशन बंद करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा कि वो जो पानी का हम यूज क्रॉप ज़्यादा कर पाएंगे और ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो पाएगा, इफ़िशियंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पडलिंग कहलाता है कि एक प्रकार से सोइंग के पहले ही क्या करना, इरीगेशन कर देना, जिससे एक प्रकार से कीचड़ जैसा बन जाता है, सरफेस लेयर एक प्रकार चिकनी हो जाती है और जो है परकुलेशन वो कम हो जाता है, तो हमारा कहलाता है पडलिंग। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे प्रेसिपिटेशन होता है। मान लीजिए पानी बरसा, पानी बरसने के बाद क्या हुआ, यहाँ गिरा या सॉइल सरफेस में, तो ये जो इंट्री होते ही, ये जो हल्की सी इंट्री हुई वाटर की, वो हमारा कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन। और ये क्या होता है कि इतना तेज़ इंटेंसिटी से पानी बरस रहा है तो कुछ तो नीचे गया इन्फिल्ट्रेशन के रूप में, लेकिन ज़्यादातर ये क्या होता है, बह जाता है ऊपर ही ऊपर बह जाता है, तो ये हमारा कहलाता है सरफेस रन ऑफ। और फिर बाद में जब वही वाटर इन्फिल्ट्रेशन वाला वाटर और नीचे सतह में जाता है सॉइल की, वो हमारा कहलाता है परकुलेशन, और परकुलेशन से ही ग्राउंड वाटर फ्लो होता है। और सीपेज देखिए क्या होता है, सीपेज ये रिवर से जो इधर का हॉरिजेंटल फ्लो है वो हमारा सीपेज कहलाता है। चलिए अगला है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल थ्रू बेस पीरियड, द फर्स्ट वाटरिंग इज नोन एज कोर वाटरिंग। तो जो रिक्वायरमेंट होती है हर क्रॉप की, अलग अलग एक तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपनी पूरी जो क्या है फिजिकल लाइफ के लिए या पूरी लाइफ के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, किसी को कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो सबकी यूनिफॉर्म नहीं होती है। और इसके बाद कोई एक क्रॉप की हर स्टेज में भी वाटर की रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म नहीं होती है। जैसे पहले उसको जर्मिनेशन के टाइम पे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पकने के टाइम पे वही पानी कम चाहिए होता है, फ्लावरिंग के टाइम पे मॉडरेट पानी चाहिए होता है, तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेज पे जो अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती हैं एक जैसी नहीं होती हैं। तो जो फर्स्ट वाटरिंग होती है, जो पहली बार हम वाटरिंग करते हैं, पहली बार इरीगेशन करते हैं, वो हमारा कहलाता है कोर वाटरिंग। क्या कहलाता है, कोर वाटरिंग। अगला है बेस पीरियड क्या होता है, द पीरियड और डेज ड्यूरिंग विच इरीगेशन वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप। जब हम इरीगेशन करते हैं तो एक दिन में तो इरीगेशन हो नहीं सकती, या अगर एक दिन में भी हो जाती है तो वही जो डेज होते हैं
जो पूरे डे जो होते हैं जिनमें इरिगेशन वाटर अप्लाई किया जाता है क्रॉप को, वो हमारा कहलाता है बेस पीरियड। अगला है ड्यूटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन टू ब्रिंग अ क्रॉप टू मैच्योरिटी। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, पूरा अमाउंट होता है, एक होल अमाउंट होता है। जब हम जैसे ही हम क्रॉप को बो देते हैं या क्रॉप बोने वाले होते हैं, उससे जब हम पानी अप्लाई करते हैं क्रॉप बोने से लेकर जब तक वो पक नहीं जाती है, तो जितना पानी हम उसे देते हैं एक क्रॉप को, वो उस क्रॉप की क्या होती है, ड्यूटी ऑफ वाटर होती है, जब तक वो पक नहीं जाता है। तो अंकुरण से लेके उसके पकने तक लेकर जब तक जितना वाटर यूज होता है, वो हमारा कहलाता है ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड ऑब्लिक डेल्टा। बेस पीरियड हमने आपको बता ही दिया कि बेस पीरियड क्या होता है, जितना टाइम लगता है किसमें, इरिगेशन में, वो इरिगेशन पीरियड हमारा बेस पीरियड कहलाता है। तो ड्यूटी ऑफ वाटर का जो होता है फॉर्मूला होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड ऑब्लिक डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, डेल्टा होता है डेप्थ, टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाई अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ड्यूरेशन इन फील्ड। जब हम एक, जैसे आपको बताया गया होगा कि गेहूं में 5 सेंटीमीटर वाटर लगाते हैं, धान में 6 सेंटीमीटर लगाते हैं, तो वो जो सेंटीमीटर एक डेप्थ होती है, वो डेप्थ ही हमारी क्या कहलाता है, डेल्टा। हर क्रॉप का अलग अलग होता है, तो वो हमारी डेप्थ कहलाती है डेल्टा, और वो होता है उसकी यूनिट सेंटीमीटर में। डेल्टा क्या होता है, ईच क्रॉप रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर पर हेक्टेयर फॉर इट्स मैच्योरिटी। एक सर्टेन अमाउंट, सबको पता है कि एक सर्टेन निश्चित अमाउंट चाहिए होता है मैच्योरिटी के लिए हर क्रॉप को। इफ़ द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप इज स्टोर्ड ऑन द लैंड विदाउट एनी लॉस, देन देयर विल बी अ थिक ऑफ वाटर स्टैंडिंग ऑन द लैंड। सब जनरली अगर वाटर का लॉस नहीं होगा तो वाटर का जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। दिस डेप्थ ऑफ द वाटर लेयर इज नोन एज डेल्टा। तो ये जो डेप्थ होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डेल्टा। और डेल्टा किससे डोनेट करते हैं, ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के साइन से डेल्टा को डोनेट किया जाता है। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अगला है ये ड्यूटी, अभी हमने आपको बताया था ड्यूटी क्या है कि उसके जर्मिनेशन से लेकर उसके मैच्योरिटी तक जितना वाटर यूज होता है वो हमारा कहलाता है ड्यूटी। तो ड्यूटी रिप्रेजेंट्स द इरीगेशन इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट वाटर, ठीक। इट्स रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द क्रॉप इरीगेटेड एंड द क्वान्टिटी ऑफ द इरीगेशन वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ। ये किसमें रिलेशन दिखाता है कि जितनी भी क्रॉप इरिगेटेड की जाती है, जितनी भी एरिया इरिगेटेड किया जाता है, और क्वांटिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर, हमने आपको बताया था ना कि ये पूरा क्वांटिटी को ही दर्शाता है कि कितना क्वांटिटी हमारा यूज हुआ एक क्रॉप के लिए। तो ये उसी को डिनोट करता है, रिलेशन दिखाता है कि क्रॉप उगने में, क्रॉप और अमाउंट के बीच में, वाटर के अमाउंट के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन दिखाता है। ड्यूटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर्स दैट कैन बी इरीगेटेड बाई कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 क्यूमिक थ्रू आउट द बेस पीरियड। हम वही मतलब है कि एक बेस पीरियड में एक निश्चित यूनिट से, निश्चित वाटर से कितना हम हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं, कितनी क्रॉप की सिंचाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख, 1 क्यूमिक डे इज इक्वल टू 1 m³/s फॉर 1 डे, ठीक। बेस को इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, बेस इज डिफाइन एज द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप जस्ट बिफोर इट्स मैच्योरिटी, आल्सो नोन एज बेस पीरियड एंड डिनोटेड एज बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डेज। जितने नंबर ऑफ डेज किसमें यूज होते हैं, वाटरिंग में या इरीगेशन में, वो हमारे कहलाता है बेस। तो ट्राइंगल से डेल्टा को डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर और सेंटीमीटर। और बेस पीरियड, इन बेस पीरियड को डेज में डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और डेज में इसको यूनिट लेते हैं। और जो डी होता है ड्यूटी, तो वो होता है हमारा हेक्टेयर पर क्यू में। ये यूनिट्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला है टर्म पालको। पालको क्या होता है, पालको इज़ द फर्स्ट इरीगेशन बिफोर सोइंग द क्रॉप फॉर सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। क्या करते हैं हम कि सीड बोने से पहले, बुआई से पहले ही हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे ही हम सीड डालें उसको पानी की कमी ना हो और अच्छा जर्मिनेशन हो, तो वो जो इरिगेशन होता है वो हमारा पालको कहलाता है। अगला है रोस्टरिंग या वाटर रेगुलेशन। तो वाटर रेगुलेशन क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह हम अपनी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं वाटर को किस तरह से, वो हमारा कहलाता है रोस्टरिंग और वाटर रेगुलेशन। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेशन वाटर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेज रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि एक जगह ही हम लगा के छोड़ दे रहे हैं तो पूरा क्रॉप भर जा रहा है, उसका हम कई तरह से उसकी इरीगेशन मेथड अपना रहे हैं तब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाटर का रोस्टिंग और वाटर रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इरीगेशन रिक्वायरमेंट।
द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप आफ्टर इफेक्टिव रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन एंड ग्राउंड वाटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पिछले साल यूपी कैट में पूछा भी गया था। ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता क्या है? तो देखिए, इरिगेशन मैंने आपको बताया था क्या कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट एक होता है क्या, वाटर रिक्वायरमेंट ही होती है। लेकिन कौन सी वाटर रिक्वायरमेंट? इफेक्टिव रेनफॉल, ईआर का मतलब यहाँ पर इफेक्टिव रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन से है, और ग्राउंड वाटर। देखिए, जो सॉइल है उसमें कुछ ना कुछ तो वाटर होगा ही, तो एक वो वाटर हो गया, और जो इफेक्टिव रेनफॉल है, पानी भी बरसेगा मौसम में अपने, प्रेसिपिटेशन भी होगा, कोहरा भी पड़ेगा, ओस भी पड़ेगी। तो उस पानी को हटाने के बाद भी, जैसे मान लीजिए 100 लीटर की आवश्यकता है एक क्रॉप को, तो मान लीजिए 50 लीटर नेचुरल रेन से प्राप्त हो गया, तो वो हमारा हो गया इफेक्टिव रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन प्राप्त हो गया। ग्राउंड वाटर 20 लीटर मान लीजिए हमारा किसमें, 50 लीटर प्रेसिपिटेशन से 20 लीटर हमारा हो गया किसमें, सॉइल में है हमारा, तो कितना हो गया ये 70 लीटर। इस 70 लीटर को हटाने के बाद जितना भी हम बचेगा वो हम किससे देंगे, उसकी आपूर्ति हम करेंगे इरिगेशन से, खुद से, आर्टिफिशियल मीन से, तो वो हमारा कहलाएगा इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यही मतलब है कि वाटर की रिक्वायरमेंट किसको हटाने के बाद, इफेक्टिव रेनफॉल और ग्राउंड वाटर को हटाने के बाद जितना बचता है वो हमारा कहलाता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी क्या होती है? द वाटर यूटिलाइजेशन बाय द क्रॉप इज नोन एज द वाटर यूज इफिशियंसी। किस तरह से हमारी जो क्रॉप है वो वाटर की यूज करती है, यही हमारी वाटर यूज इफिशियंसी। अब इसको हम क्या करते हैं, दो दो तरह की वाटर यूज इफिशियंसी होती है। पहली है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। अगर वाटर यूज इफिशियंसी की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम पर हेक्टेयर सेंटीमीटर और क्विंटल पर हेक्टेयर। तो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द क्रॉप ईल्ड टू द अमाउंट ऑफ द वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन। तो ईल्ड जो होती है हमारी, ईल्ड जितनी उपज होती है किससे, डिप्लीशन होने के बाद, किसका, वाटर का डिप्लीशन होने के बाद इवेपोट्रांसपायरेशन से, वो हमारा कहलाता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। रेशियो ऑफ द क्रॉप ईल्ड टू द अमाउंट ऑफ द वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन। सॉइल में मान लीजिए हमारे सॉइल में पानी है, तो ईल्ड के लिए, अपनी उपज के लिए जो हमारी क्रॉप है वो कितना वाटर ले रही है उस सॉइल से, वो हमारा कहलाता है वाटर यूज इफिशियंसी। और इसमें हम इवेपोट्रांसपायरेशन भी यूज करते हैं, तो हमारा क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। नेक्स्ट है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। तो ये है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द क्रॉप ईल्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर यूज इन द फील्ड। हमने जितना भी पानी लगाया, और तो ईल्ड के लिए जितना भी हमने ईल्ड ली और पानी हमने लगाया 100 लीटर, तो पूरा का पूरा 100 लीटर ही उसमें यूज करते हैं इसमें। तो ईल्ड ऑब्लिक वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर यूज, जितना वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर यूज, तो वो हमारा कहलाता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी में क्या होता है, क्रॉप जितना लेता है, क्रॉप जितना यूज करता है, वो हमारा क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी होती है। लेकिन फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी में होता है, जितना हम फील्ड में अप्लाई करते हैं वाटर, उससे जितनी ईल्ड होती है वो हमारा फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी होता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है इरीगेशन इफिशियंसी। इरीगेशन इफिशियंसी क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ द अप्लाइड इरीगेशन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल एंड मेड अवेलेबल फॉर कंजम्पटिव यूज बाई क्रॉप। तो इरीगेशन इफिशियंसी वो होता है कि मान लीजिए कोई चैनल है, हमने इरीगेट किया किसी फील्ड में, कितना 100 लीटर पानी भेजा, लेकिन फील्ड में कितना पहुंचा हमारा, फील्ड में 80 लीटर ही पहुंचा। हमने अपने चैनल से तो 100 लीटर भेजा, फील्ड में 80 लीटर पहुंचा। 80 लीटर कैसे पहुंचा? कुछ हमारा पाइप में रह गया, कुछ ये सीपेज से लॉस हो गया जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और कुछ इवेपोरेट हो गया। तो इन सब लॉस के आगे जो जितना फील्ड में पहुंचा वो हमारा पहुंचा कितना, 80 लीटर। तो इरिगेशन इफिशियंसी यही होती है कि वाटर इज स्टोर्ड इन द सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड टोटल वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन। जितना भी जो हमारा पहुंचता है या स्टोर्ड होता है, जितना भी फील्ड में पहुंचता है वाटर, उसको जब हम किससे मल्टी वो कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, टोटल अप्लाइड, टोटल वाटर अप्लाइड एज इरीगेशन, जितना हम वाटर लगाते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा इरीगेशन इफिशियंसी। जैसे हमने 80 लीटर पहुंचा कहाँ, फील्ड में, हमने लगाया था कितना 100, तो इसको क्या कर देंगे, 100 से डिनोट कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा इरिगेशन इफिशियंसी। यही होती है इरिगेशन इफिशियंसी, हम इसी तरह बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि उसका इवेपोटर ट्रांसपायरेशन कम कर दें, उसका लॉस जितना हम कम कर देंगे, जितने जितनी तरह से लॉस होता है वो जितना हम कम कर देंगे, वो हमारा इफिशियंसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितना हम उसका लॉस कम करेंगे उतना ज़्यादा पानी पहुँचेगा। जैसे हमने 100 लीटर भेज रहे हैं तो पहले हमारा 80 लीटर पहुँचता था, लेकिन हमने उसके बाद कुछ ऐसे मैनेजमेंट कर दिए कि उसका सीपेज कम हो गया, उसका इवेपो ट्रांसपायरेशन कम हो गया और बाकी चीज़ें उससे कम हो गई जहाँ जहाँ से लॉस हो रहा है। तो मान लीजिए वो पहुँचने लगा कितना, 90 लीटर, तो कितना वहाँ 10 लीटर की और बचत हुई हमारा। तो इस तरह हम कई तरह के मैनेजमेंट करके उसका जो लॉस है वो कम करके इरिगेशन इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो यही होता है इरिगेशन इफिशियंसी कि हम भेजते जितना पानी है उतना ना पहुँच कर जितना पहुँचता है उसको इरिगेशन इफिशियंसी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इरिगेशन के कुछ टर्म्स की बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इरिगेशन बहुत बड़ा एग्रोनॉमी का बहुत ब्रॉड और बहुत अच्छा एक हमारा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत सारे हर एग्ज़ाम में। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको और हम इसको पूरा कवर करेंगे। धन्यवाद।